What's up nerds, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना। मैं हूँ आंचल और ये है टाइनी टॉक्स। में आज हम रिएक्ट करेंगे ऑपरेशन 021 पर, और ये एक स्पाई फिल्म है और इसकी बहुत रिक्वेस्ट है इसके ट्रेलर की भी, राइट। एंड आई होप कि आप लोग को देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे ट्रेलर जो हम लोगों ने रिसेंटली करे हैं सब ब्लॉक्ड वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे हमने पेट्रियन पे इसीलिए डाले हैं, तो यू कैन चेक इट आउट ऑन पेट्रियन। और आई होप कि ये ब्लॉक ना हो। और जस्ट टू क्लेरिफाई, वी हैव डन जवानी फिर नैयानी 2, वी हैव डन PSL, PSL भी बैन हो गया, परवाज़ है जुनून, परवाज़ है जुनून, वी डिड अ लॉट ऑफ रिएक्शंस दैट हैव ऑलरेडी बीन ब्लॉग्ड वर्ल्ड वाइड, सो जस्ट इन केस, यस, यू नो वी डिड दोस गाइस, वी आर लिसनिंग टू रिक्वेस्ट, बट समटाइम्स यू नो it just gets blocked, yes, so also hoping this works, Irfan jo jagah bhi permission ka hum log wait kar rahe hain, so yeah wo bhi jaldi aayega, we are just like planning ki permission mil jaye uske baad react kare so taki wo block na ho, right। I think pehle hum is pe chalte hain film ke bare mein, yeah, naam se sunne se spy thriller film lag rahi hai operation kisi mission ke upar, yep, and I'm really excited to see ki kya, kyunki mere ko aisi film bahut pasand hai, army mission fight action film hai। अब मेरे को देखना ये थोड़ी सी किस टाइप की एक्शन फिल्म होने वाली है, क्योंकि दो तरीके होते हैं हमेशा ऐसी फिल्म बनाने के, या तो आप सीरियस डार्क गोरी एकदम जैसे जीरो डार्क 30 वगैरह बनी थी, एकदम आप कोर में घुस जाते हो, एकदम द गुड एंड द अगली द बैड सब आप देख रहे हो वहीं पर। और दूसरा तरीका होता है कि एक फिक्शन फिल्म आप बनाते हो, जैसे स्पाई के ऊपर ये भी थी पूरी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, दैट इज अ फिक्शनल सीरीज, आई मीन दैट इज नॉट एग्जैक्टली spy. I wouldn't call it like realistic at all. अरे but दो अलग type की फिल्में होती हैं। Same ही category में दो अलग type की फिल्में होती हैं basically. तो मेरे को देखना है कि ये कैसी वाली होगी। मेरे को दोनों ही पसंद हैं, लेकिन of course क्योंकि थोड़ा सा commercialized जो होती है, उसमें entertainment value थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आप उसे बार-बार देख सकते हो या कभी-कभी। और ऐसी फिल्में हमें भी बननी चाहिए जो dark and serious होती हैं। क्योंकि फॉर अ चेंज ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन कि कई बार उसमें इतना आपको गोरी और वो सब दिखाते हैं कि आपका मन नहीं होता कि यार मैं बार बार वो सब देखूं, राइट, ठीक है, क्योंकि इट कैन बी रियली रियली हार्ड गोइंग थ्रू, इट्स अ लिटिल डिस्टर्बिंग टू वॉच समटाइम्स, यस। तो मेरे को देखना है कि ये किस टेंजेंट पे होने वाली फिल्म है। एग्जैक्टली जस्ट लाइक आई सेड विद द दुर्ज प्रीमियर सुन के आई वाज लाइक दैट साउंड्स अ लिटिल डार्क, आई डोंट थिंक आई एम गोना सी दैट। तो अब दुर्ज के बारे में भी अगर मैं बात करूं कि जो लोग हॉरर देखते हैं या इस तरह की फिल्में देखते हैं, वो भी शायद उसको एक ही बार देखेंगे, दोबारा दोबारा आप रिपीटेटिव वैल्यू होती नहीं है ऐसी फिल्मों की मेरे ख्याल से। आई नो, आई मीन वन टाइम वॉच है, आप देखा, आप खत्म करा, आप दोबारा शायद ही कभी उसे प्ले करो। तो अब देखना ये कि ये कैसा होने वाला है। तो हाँ, बहुत डिस्कशन हो गया। सो गाइस, हियर वी गो। Imagine you woke up one day and realized you're sitting on $1 trillion mineral deposit. Somebody would have to organize that for you. Abdullah, pagal ho gaya. It's not about terrorists anymore. It's about technology, phones, computers. No one knows what that chip is anymore. Jesus Christ. Chip pe un tamam insanon ke naam maujood hai. जो इस मुल्क को बेच रहे हैं। 2100 hours, 9 PM. The chip must reach Kunziat. You understand this? Two chip CIA can go to hell. Maybe we can cut a deal or something. A deal? I got nothing for you. This is the man you saw with Abdullah. Pakistani field officer. Kash, जानता है इसकी कीमत क्या है? अगर तेरा प्लान फेल हो गया तो? ये मेरी गारंटी। We got the location. मैं दो दिन बड़े क्लियर। If this intel does exist and somebody's got it, then that's who we're gonna pin it on. जब टॉर्चर होता है ना बोला, तो बड़े-बड़े मुंह खुल जाते हैं। I'm bringing him in. Don't let your men run. I will fight and cover you. Welcome to Afghanistan, my friend. Plan B. God, I love you so much.
मेरी बात याद रख, अगर अफगानिस्तान चलेगा तो फिर पाकिस्तान भी चलेगा। There are three kinds of friend. First one is your friend. Second is your friend's friend. The third is your enemy's enemy. तुम्हें सिर्फ वो चिप चाहिए और जितना कह रहा हूँ उतना कर। चल। Welcome to line. Welcome to Pakistan, my friend. So, dark, gritty, a lot of DC feels. ये मेरे को लगता है Zero Dark Thirty वाले ही tangent पे होने वाली फिल्म है। Yeah. ये बहुत commercial है मसाला या और, entertaining. I don't know what the significance of Zero to One is. Maybe शायद mission का code है या फिर कोई time frame है. Right. Yeah. और maybe They can go the 007 way or agent ka wo number hai. Maybe that. Kya kehte hain 021. Jaise usme 007 hai. So this does not look like it will have a lot of commercial value as such. Hmm. Does not look like a typical, you know, not a fun to watch movie, but more of a movie that is informative and serious takes you to a certain point in time where things happen and you know. More dealing with facts rather than fiction. Yes. So, yeah. This is dark and gritty. And this is a very important thing. Yeah. Okay. That minerals and all that, why are all wars happening? Right. What is the reason? Okay. Now, a film came out, Tiger Zinda. Right. Inside that, one such thing these people have shown me, which was very good to me. जहाँ ईरान और ईरान वाला जो कब्जा होता है और वहाँ पे जो मिलिट्री बेसिस है तो उसके ऊपर इन लोगों ने अमेरिका की स्ट्रेटजी दिखाई कि ऐसा अमेरिका को ओपनली मीडिया में ना बहुत कम देश है जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं या जिनके पास इतनी पावर है कि उसके खिलाफ बोल सकें और इंडिया उनमें से एक है और हालांकि अभी पॉलिटिकल चॉइस अब बेहतर हो रहे हैं इंडिया और ये अमेरिका एलाय बन गए हैं बट स्टिल इंडिया अभी भी उसके साइड इतना कभी रहता नहीं है तो उसमें इन लोगों ने एक चीज़ ऐसी शो करी थी कि ही केम जो वो बंदा होता है टेररिस्ट ही केम टू निगोशिएट ऑयल प्राइसेस विद ये आर्मी बेस ऑफिसर लेकिन वो डील नहीं बनती है तो वहां पे क्या होता है कि वो ज्यादा पैसा मांग रहा होता है और ये आर्मी मिलिट्री वाले देते नहीं है पैसा कहते नहीं तुम तो बहुत महंगा ले रहे हो हम इतना महंगा तेल नहीं खरीदेंगे तुमसे अगर इतना खरीदना होता तो फिर साला आर्मी बेस बनाने की जरूरत क्या थी ऐसी बिजनेस कर लेते तुम्हारे साथ तो उसके बाद का सीन है कि वो वहां से निकलता है और वो आपस में बात करते हैं तो दूसरा बंदा वहां पे पूछता है कि इजंट ही अ टेररिस्ट तो कहता है ही इज नाउ अ टेररिस्ट मतलब कि अब तक वो बिजनेसमैन था अब वो टेररिस्ट है अब हम इसे मार देंगे क्योंकि ये बहुत महंगा तेल बेच रहा है सो दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग रिसोर्सेज के ऊपर तो सारी फाइट है अभी जो वेनेजुएला के ऊपर इन लोगों ने बोला है अमेरिका ने कि दे नीड डेमोक्रेसी और वो तो होना ही था ऑफ कोर्स क्योंकि उन लोग के पास पूरा ऑयल का वो सारा लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स उन लोग के पास भी बहुत सारा ऑयल रिस्टोर्ड है प्लस उनके पास बहुत सारा गोल्ड है और क्योंकि उनके पास इतने टूल्स नहीं थे इतना इन्वेस्टमेंट मनी नहीं था तो कुछ ही महीने पहले रशिया के साथ उन्होंने एक डील करी थी कि जिसमें रशिया उनके बिहाफ पे उनकी वेनेजुएला में जाके उनकी कंट्री में जाके गोल्ड माइन करेगा और जिसमें से एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट रशिया का होगा और वेनेजुएला का होगा अब ऑफकोर्स अगर आप अमेरिका के साला दुश्मन से डील करोगे तो अमेरिका चुप कैसे रहेगा सो गेस हु नीड्स डेमोक्रेसी नाउ आई होप अब वहां पे ऐसा ना हो क्योंकि ये लोग लिबिया सीरिया और ये सारी चीजें जो ये कर रहे हैं दैट इज नॉट गुड यार वो रिसोर्सेज के ऊपर ही है तो कहने वाली बातें हैं कि भैया इसकी वजह से उसकी वजह से और तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझनी चाहिए सब लोग क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को आप ही के लोग रोक सकते हैं लेकिन अगर आप देखोगे अमेरिकन पीपल are one of the most you know media controlled people in the world they are kind of brainwashed a lot unke paas aur upar se unko aisa dumb down kar diya na ki unki self thinking capability na ekdam zero ho gayi hai americans ki in fact india mein na call center mein ek mazak banate hain hum log ki jab yahan pe ye log aise hamara mazak banate hain ki bhaiya indians aur
ये लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, फोन करके परेशान करते हैं, लेकिन कॉल सेंटर की ट्रेनिंग आपको पता है कैसे दी जाती है? कि आप जब भी किसी अमेरिकन से बात करोगे तो हैव अ पेशेंस कि आप किसी 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, क्योंकि इंडियंस के मुकाबले उनका आईक्यू 5 साल के बच्चे जितना होता है, उनको कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो आपको ऐसे समझाना पड़ता है। तो भले ही वो वहां से हम लोग को अपने आप को कितना भी सुपीरियर समझे, और ऑफकोर्स वो लोग समझते हैं अपने आप को सुपीरियर, दे आर वाइट पीपल, और भगवान ने उनको बनाया था क्या कहते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, मेरे एक दो बार इंटरनेट पे बहस भी हो चुकी है इसी बात पे, एंड वन ऑफ द गाइज वन सेड टू मी कि ही इज नॉट पुटिंग हिमसेल्फ अबव एनीवन एल्स, गॉड हैज पुट हिमसेल्फ पुट हिम अबव एवरीबॉडी एल्स, सो द एंटायर वर्ल्ड ऑल द प्लांट्स एनिमल्स आर फॉर हिज टू किल एंड यूज, एंड ब्राउन एंड ब्लैक पीपल शुड बी सर्विंग हिज बिकॉज ही इज सुपीरियर। सो यस, आज भी ऐसे लोग हैं। दैट इज काइंड ऑफ सो दैट इज ब्रेन वॉश्ड। ये लोग हम लोग को दिखाते हैं क्या कहते हैं, मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, कि अरब हो गया या इंडिया हो गया, ठीक है, मिडल ईस्ट से लेके अपना जितना भी साउथ ईस्ट एशिया तक है, ये हम लोग को बहुत पिछड़ा हुआ दिखाते हैं कि हम लोग एकदम पिछड़े हुए वो हैं, बट हमसे ज़्यादा पिछड़े हुए मेरे को ये लोग लगते हैं, पता है। ये बस अपने आपको मीडिया में मार्केट ऐसे करते हैं, बट अगर आप वहाँ के लोगों से बात करो ना, तो वो भी उतने ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं चीज़ों को लेके जितने यहाँ के लोग हैं। बस आप मार्केट उसको उस तरह से नहीं करते हो। इवन गोइंग बाय लाइक सिटीजन लिबर्टी, मतलब फीमेल, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट फीमेल लिबर्टी एम्पावरमेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई काइंड ऑफ फील कि आवर कंट्रीज हैव कम मच फर्दर इन रिगार्ड्स टू फीमेल लिबरेशन, इन रिगार्ड्स टू एक्चुअल एम्पावरमेंट। Yeah, because abhi bhi in a American setup, I still feel that it's not exactly empowerment. But in an American perspective, I feel that liberation is kind of objectified. Yes. It's just that if you can dress however you want, if you can sleep with whoever you want, if you don't have to, you know. Follow a certain code of conduct, you're liberated. That is not actual liberty. I agree that females should have the right or choice to dress, to dress however they want, to do whatever the hell they want. But if you actually look at it, American media kind of pushes women to objectify themselves. Yeah. To objectify themselves, sexualize themselves. If a woman in America wants to be fully dressed, that is looked upon as backward. I don't know why. Why? I don't want to wear a mini skirt. Why is that a problem for you? You know. So I just feel that, especially in India, in countries, in cities like Mumbai, Delhi, I feel that we have a much more clearer sense of empowerment. So yeah, I don't know, man. So maybe. So coming back to the film, बहुत सारी moral वाली बातें हो गई हैं. I know. तो क्योंकि अब topic ऐसा था, तो अब इस पे भी इन लोगों का वहीं से शुरू हुई. Yeah. कहानी की minerals को लेके, अब कौन resources control करेगा, और जो dialogues इन लोगों ने end करा. Friend of my friend. हाँ, कि तीन तरह के दोस्त होते हैं. पहला आपका दोस्त, आपके दोस्त का दोस्त, और आपके दुश्मन का दुश्मन. वो डायलॉग पक्का किसी अमेरिकन कैरेक्टर का होने वाला फिल्म के अंदर, क्योंकि ये अमेरिकन स्ट्रेटजी है. ठीक है, कि अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूके स्ट्रेटजी, ये सब लोग यही काम करते हैं हमेशा, कि डिवाइड कॉन्कर और ये सारी चीजें. दैट वाज द ब्रिटिश डिवाइड एंड कॉन्कर, यू नो, सो समबडी लाइक दैट आई सस्पेक्ट. बट अब देखना ये है कि इसमें क्योंकि बहुत सारी कहानी मेरे को पता नहीं है क्या है, और बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे हाँ, जो हम लोग को पर्सनली समझ नहीं आया, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा अभी क्या पूरी कहानी है, क्या सेटअप है कहानी का. बट फॉर नाउ ऐसा अभी लग रहा है कि मिनरल्स के रिसोर्स को लेकर कहीं से कुछ फाइट है. तो जैसा कि मैंने कहा कि भैया हमेशा रिसोर्सेज को लेके ही फाइट होती है,
और इसमें भी ऐसा ही है एंड आई थिंक अब ये नेशनल सिक्योरिटी दोनों देशों के लिए बन जाएगी. अफगानिस्तान तो पहले से बेचारा विक्टिम है और क्या कहते हैं, अब मेरे ख्याल से जैसे कि वो दो करेक्टर बात करते हैं वहाँ पे तो अफगानिस्तान का जो बंदा था वैसे एकदम टिपिकल अफगानी उसमें कॉस्ट्यूम में और ये एजेंट था, ये थोड़ा लेदर जैकेट और ये थोड़ा अपडेटेड इसका वो था कि भैया कि अगर अफगानिस्तान पे कुछ होगा तो पाकिस्तान पे भी होगा क्योंकि ऑफकोर्स अगर आपका आपकी नेबरिंग कंट्री अगर गिर जाती है ना तो आप भी फर्क पड़ते हैं. हाँ ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ऑफकोर्स आप ही हो गए तो उसके अब मेरे ख्याल से वहीं पे वो स्टैंड लेता होगा कि नहीं कि अपने देश को बचाने के लिए शायद मेरे को इनको भी बचाना है या जो भी पूरी कहानी है जैसे वो प्ले आउट होती है तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. यस क्योंकि बहुत डार्क, आई थिंक ये डार्क ग्रिटी वाला ही रहेगा क्योंकि इसमें तो मेरे को कहीं पे भी कोई जरा सा भी लाइट हार्टेड लगा ही नहीं है कहीं से. तो मे भी हो सकता है कुछ जगहों पे रेटेड आर हो फिल्म सारे बच्चों के लिए ना हो क्योंकि एक्शन और आपका डायलॉग एक्शन जैसे वो टॉर्चर वाला सीन है अगर जब वो फिंगर डिप कर रहा है अपनी तो वो फिंगर डिप करके ऐसे मेरे ख्याल से अल्कोहल में स्टिकन इन द वुंड तो वो सामने वाले बंदे को जलन हो वो दर्द से चिल्ला टॉर्चर. आई कांट स्टैंड सीन लाइक्स दैट लाइक तो वो सारी चीजें रहने वाली है. बट जहां तक फिल्म की बात है ओवरऑल फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी. मेरे को लुक बहुत अच्छा लगा कलर एक्शन से लेके जिस तरह से इन लोगों ने अगर आप नोट करोगे बहुत सारी जगह पे ना इन्होंने बिल्कुल भी नॉर्मल एंगल नहीं लगाए. नॉर्मल से मतलब आप जैसे नॉर्मल कोई फिल्म देखते हो अधिकतर आपका आई लेवल पे कैमरा रहता है. इसमें मोस्ट शॉट पे या तो कैमरा लुक डाउन अपॉन कर रहा है आपको या लो एंगल शॉट है सामने से इसलिए नहीं क्योंकि वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाँ कि उन्होंने थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन दिखाने के लिए टेंस सिचुएशन दिखाने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर किस पे हावी पड़ रहा है और वो सारी चीजें जो सिचुएशन है इट्स लार्जर देन लाइफ और इट्स हां अ लिटिल स्मॉलर. और जैसे वो स्टार्टिंग में अंग्रेज था वो ऐसे एकदम ऐसे बैठ के बात कर रहा है. वो क्यों बात कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ फायदा उठाने वाला है और ये एक सिनेमैटिक ब्लॉकिंग बोल लो आप या सिनेमैटिक उसके कैरेक्टर का स्ट्रेंथ बोल लो कि अभी आने वाले जो भी इवेंट्स वो बात बता रहा है ना उससे उसकी लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी लाइफ और कंफर्टेबल हो जाएगी, बाकी लोगों की नींदें हराम होंगी, उनकी लाइफ तबाह हो जाएगी. तो इस वजह से वो वहाँ पे ऐसे एकदम रिलैक्स मोड में बैठा है और बाकी लोग थोड़े से टेंशन में है, बाकी लोग के ऊपर शॉट्स. तो ये एक सिनेमैटिक ब्लॉकिंग और वो सब होते तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को फिल्म के अंदर कि किस तरह से इन लोगों ने मतलब ऐसा गॉडफादर के अंदर इन लोगों ने करा था चीज़ें. तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी और आई थिंक आई एम गोइंग टू चेक दिस वन आउट. बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर एंड व्हाट यू गाइस थिंक कि क्या ये किस चीज के बारे में पूरी है, क्या मिनरल डिपॉजिट की बात हो रही थी वहाँ पे और व्हाट यू गाइस थिंक. आपने अगर फिल्म देखी है तो स्पॉइलर मत देना और खाली सिर्फ बताना आपका क्या रिएक्शन था फिल्म देख के आपको कैसा लगा या ट्रेलर जब आपने पहली बार देखा था आपको कैसा लगा. डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसी कोई और भी फिल्म हो तो उसका भी रिक्वेस्ट जरूर भेजना. You know what to do, subscribe to our channel, like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram. Of course. Regular updates ke liye, ghanta bajaye. Bye. See you guys.